ग्रीडिंग सर्वन मैनी शील आई एस एपिसोड ऑफ दिंदूसिस तो चलिए देखते हैं कि कौन से कौन से आर्टिकल्सिंग टूडे सो दर्स्ट आर्टिकल इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर टैक्स तो यहाँ पर बात करेंगे ये कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कौन सी कंट्री इसे इंप्लीमेंट करना चाहती है इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या क्या हो सकते हैं so, पर बात होता क्या है? कैसे हुआ था? कौन से कौन से कंट्रीज है जी ट्वेंटी का सिग्निफिकेंस क्या है एज वेल एस क्या क्या चैलेंजेस है इन आवर सेकेंड आर्टिकल

कार्बन बॉर्डर टैक्स अब यहां पर जब कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात करते हैं सो लेट स्टार्ट विदिक्स एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि होता क्या है सो व्हाट इज कार्बन बॉर्डर टैक्स अ कार्बन बॉर्डर टैक्स या कहें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इस टाइप ऑफ ड्यूटी है जो कि इंपोर्ट में लगाए जाएंगे बेस्ड ऑन दउंट ऑफ कार्बन एमिशंस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं कोई कंट्री अगर स्टील इंपोर्ट कर रहा है तो इस कंट्री में जहां से स्टील स्टील आ रहा है ये स्टील जो जो प्रोड्यूस आप कर रहे हो जो कि किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है ये स्टील आप प्रोड्यूस करते हो तो कितना सीओ टू रिलीज होगा इस अमाउंट के बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर मोनिट्री वैल्यू फिक्स करते हो और उस मेनोमेट्री वैल्यू को आपको देना होता है टू कंट्री एक्स जहां पर ये आप इम्पोर्ट कर रहे हो

बाई दूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन काफी ऑफन काफी प्रोएक्टिवली इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को इंप्लीमेंट करना चाहती है और उसमें जो अपोजिशन है दैट इज नॉन एज बेसिक कंट्रीज जो कि ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं और यहां पर हम जैसे कंट्रीज ने हम लोग ने पर्टिकुलर टर्म किया इट एज डिस्क्रिमिनेटरी क्यों डिस्क्रिमिनेटरी? बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल जो ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ लोग डिसाइड किया था जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज द कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज सीबीडीआर आर सी ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं लेंगे बट यहां पर क्या हो रहा है जो कंट्रीज हैं जो कि डेवलप कर रहे हैं उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा बर्डन आ रहा है एंड नॉट ओन दी कंट्रीज जो कि इसे कंज्यूम करें बट ऑन दी कंट्रीज जो की प्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट इज वाई इट इज वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील और इसीलिए इन कंट्रीज के लिए इट इज डिस्क्रिमिनेटर इन द नेचर सेकेंड क्योंकि ओवर दस हम लोग ने एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोग ने जज किया हम लोग ने एज्यूम किया दैट इज ऑफ क्लाइमेट जस्टिस क्योंकि जो रिचर कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन यूनियन जैसे जो ग्रुप्स हैं इन्होंने ओवर दस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक काफी मेजर हिस्सा उन्होंने यूज किया है और इसीलिए उन्होंने ओवर दस हिस्टोरिकली काफी सारे एमिशन भी उन्होंने किए हैं तो जो रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि हम लोग एज ऑफ नाउ देख रहे हैं इन रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए ये रिचर कंट्रीज जो कि ओवर दस हिस्टोरिकली एमिट करते आए इन्हें बेटर परफॉर्म करना चाहिए दैन दी डेवलपिंग कंट्रीज और यहां पर रिचर कंट्रीज का जो बर्डन है जो मिशन का बर्डन है वो किस पे डाल रहे हैं वो वो डेवलप्ड कंट्री डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल रहे हैं इंडिया से कंट्रीज पे सो दे आर शिफ्टिंग दिस बर्डन एंड दैट इज इज व्हाई इट डिस्क्रिमिनेटरी एंड रॉन्ग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना सेकेंड अगर इंडिया पे इंडिया इकोनॉमी पे इंडियन इकोनॉमी में इंपैक्ट की बात करें पर्टिकुलरली सो यूरोपियन यूनियन जो है इट इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक काफी हद तक एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो ट्रेड करते आ रहा है और यहां पर अगर आप इंक्रीज करोगे प्राइसेस ऑफ द इंडियन मेड गुड्स इन द यूरोपियन यूनियन और ये कैसे इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द कार्बन बॉर्डर टैक्स क्योंकि जो भी प्रोड्यूस है जो कि इंडिया से इंपोर्ट करो इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे आप यूरोपियन यूनियन में तो वहां पर आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो एड करेंगे और ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये एमिशन के बेसिस पर होते हैं जो कि इंडिया जब प्रोड्यूस करेगा तब कितने एमिशन होंगे उसके बेसिस पर कार्बन बोर्डर टैक्स जो है वो एड किया जाएगा वेन इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन तो जब फाइनल मार्केट में यूरोप इंडियन प्रोडक्ट्स जाएंगे सो देयर कॉस्ट वुड इंक्रीज जब इंडियन प्रोडक्ट्स के कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो उनके जो डिमांड्स हैं वो कम हो जाएंगे उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी और बायर्स नहीं खरीदेंगे और ये जो डिमांड है डिमांड डिक्रीज होगा और डिमांड डिक्रीज होगा सो so इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो ट्रेड है वो भी डिक्रीज होगी सो so इंडिया जो अभी उनको इम्पैक्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन से जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा वो जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगी थर्ड इज दैट इट इज ऑफ नॉन कंसेंशल विद द रियो डिक्लेरेशन जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जर्मनी ने डिसाइड किया था एक रियो डिक्लेरेशन है जो कि पर्टिकुलरली मेंशन है या एंग्रेव्ड है आर्टिकल 12 पे एंड देयर वी हैव पर्टिकुलर मेंशन दैट हम लोग एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में होगा

इन्हें कहीं ना कहीं मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए और स्पेसिफिकली हम डेवलपिंग कंट्रीज पे, पे डाल रहे हैं तो दैट इज गोइंग अगेंस्ट द रियो डिक्लेरेशन थर्ड दैट इट वुड बी कॉजिंग अ चेंज इन दी क्लाइमेट चेंज रेजिम अब अगर क्लाइमेट चेंज रेजिम की बात करें तो so यहां पर जो मेजर बेसिस है मेजर जो फोकस होता है दैट इज ऑन that is on the production and not on the consumption but yahan par agar hum dekhe is wajah se carbon border tax ki wajah se jo greenhouse consent hai of this imports that would be adjusted in the greenhouse gas inventories of the importing countries और इससे क्या होगा इससे जो ग्रीन हाउस की जो इन्वेंट्रीज हैं, दैट वुड बी रिकॉर्ड नॉट ऑन दी प्रोडक्शन बेसिस बट ऑन दंजम्पशन बेसिस तो जनरली जो हम लोग प्रोडक्शन बेसिस के फोकस पर जिसके बेसिस पर हम लोग क्लाइमेट चेंज का रेजीम एडजस्ट कर रहे थे वहां पर प्रोडक्शन से ध्यान हटा के या प्रोडक्शन से वो स्कोप हटा के किसपे कर रहे हैं कंजम्शन के बेसिस पर कर रहे हैं इम्पोर्ट जो हो रहे हैं उसके बेसिस पर वो ड्यूटी लगा रहे हैं और इसकी वजह से जो ऑल टूगेदर क्लाइमेट रेजीम है दैट वुड बी टर्न अपड डाउन एन अदर इश्यू ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर टैक्स इज द प्रोडक्शनिज्म पॉलिसी ओवर दर्स पर्टिकुलरली आफ्टर दी कोविड जो हम लोग कंट्रीज में देख रहे हैं देर इज अ टेंडेंसी ऑफ जी जीरो जैसे हम लोग जी ट्वेंटी की बात करते हैं वैसे देर इज ए न्यू टर्म ऑन एज जी जीरो ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके सिटीजन्स को ही कार्टर करना चाहिए उनके सिटीजन्स की डिमांड को ही फुलफिल करना चाहिए जैसे कि अमेरिका फॉर अमेरिकन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तानी इंडिया फॉर इंडियंस ये टाइप की मैंटैलिटी को कहते हैं जी जीरो और ये जो 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 है, the basic principle और और पर हम 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 लोग 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 अपने के अपने के के हैं, 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 हैं। उसे सबसे हैं, उसे सबसे ऊपर रखते मानते इस टाइप के प्रोटेक्शनिज्म की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है जो मल्टीलैटरिज्म है वो डिक्रीज हो रहा है और इन जैसे मेशर्स कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे जो मेशर्स हैं, वो 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 एनवाइ के, के नाम पर इस टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट दी बेसिक डिस्काइज ऑब्जेक्टिव वुड बी प्रोटेक्शनिज्म दैट इज एनदर इशू विद अब कुछ ग्राफ्स को बेसिकली देखते हैं कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है इसके वजह से ग्लोबल में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या उसके होंगे उसको स्टेज वाइज देखते हैं। सो so डायग्राम है यहां पर जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके बेसिस पर आप कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाओगे ये पर्टिकुलरली उन इंडस्ट्रीज में लगते हैं जहां पर कार्बन बॉर्डर टैक्स केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या पेपर प्रोडक्ट्स हैं इन टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं इन टाइप की जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर बेसिक जो बर्डन है इन इंडस्ट्री इन इन में पर पड़ेगा पर क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके काफी सारे डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं दैट इज अगर आप इन इंडस्ट्रीज को टारगेट करोगे इफ आर टारगेटेड बाई द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो कि पर्टिकुलरली कार्बन बॉर्डर टैक्स को इंप्लीमेंट करेगा देन इट वुड बी इंपैक्टिंग दी अदर इंडस्ट्रीज फॉर एक्जाम्पल रबर एंड पेपर प्रोडक्ट द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स वुड भी टारगेटेड ज भी टारगेटेड सो अगर आप पर्टिकुलर एक सेक्शन को टारगेट कर रहे हो और उस सेक्शन में वैसे इंडस्ट्रीज है जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्रूशल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो की सेकेंडरी या टर्सरी स्टेजेस में बाकी इंडस्ट्रीज को डाउन स्ट्रीम वे में डाउन स्ट्रीम मेथड में बाकी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आप एक क्या कर रहे हो आप एक चेन ऑफ इफेक्ट्स ला रहे हो और इस चेन ऑफ इफेक्ट से सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस इंडस्ट्रीज ही नहीं बाकी उसकी जो रिपोर्टन है वो दूसरे इंडस्ट्रीज में भी आपको देखने मिलेंगे एंड दैट इज दिगेस्ट इश्यूर द सेकेंड चार्टर शोज दैट अ कार्बन बॉर्डर टैक्स वुड कट दोफिट ऑन द इंपोर्टेंट गुड्स क्योंकि यहां पर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने जैसे देखा अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में अब जो इंडियन प्रोडक्ट्स है जो कि यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होंगे तो एक्सपोर्ट होते वक्त उनपे ड्यूटी लगाया जाएगा बेस्ड ऑन दी कार्बन इमिशन जो कि हुए हैं इन इंडिया वाइल इट्स प्रोडक्शन अब इससे क्या होगा जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहां पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी जो डिमांड है उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है, है वो कम जाएगी अब जब अट्रैक्टिवनेस और डिमांड कम जाएगी तो so, यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट वुड ऑल्सो डिक्रीज फॉर एक्साम्पल अगर सेमी मैन्युफेक्चर गोल्ड की बात करें तो so वहां पर भी प्रॉफिट रिडक्शन जो है वो टेन परसेंट कम हो जाएगी बिटवीन कॉल में भी टेन परसेंट या क्रूड ऑयल में तो ट्वेंटी परसेंट एंड रोल स्टील प्रोडक्ट्स में तो फोर्टी माइनस फोर्टी परसेंट तक चेंजेस हो सकते हैं सो दिस इज शोइंग हाउ अ स्मॉल मेशर लाइक कार्बन टैक्स कुड हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ लेट सी दी थर्ड ग्राफ थर्ड ग्राफ में यहां पर यह दिखा रहे हैं कि सम मेजर यूरोपियन यूनियन स्टील सप्लायर्स वुड बी अब यहां पर जब स्टील सप्लायर्स की बात करते हैं चाइना इज देयर एज वेल एज इंडिया इज देयर अब जब हम लोग यहां पर कार्बन टैक्स लगाएंगे या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाएंगे सो so उन इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली जैसे स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि काफी ज्यादा एमिट करते हैं इन इंडस्ट्रीज में एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा और जब मेजर इंपैक्ट पड़ेगा तो इन इंडस्ट्री से जो हम लोग स्टील इंपोर्ट्स करते हैं उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है उनकी जो कॉस्ट 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 इफेक्टिवनेस है है कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस वो कम जाएगी। जब कम जाएगी जाएगी जब तो इन इंडस्ट्रीज जो कि ये पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना इंडिया रशिया इन इकोनॉमी में एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखने को मिलेंगे सो दैट इज दर इशू द फोर्थ ग्राफ हियर शोज कि कैसे एक कार्बन

कॉम्पिटेटिव होंगे और इससे काफी सारे और कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू दी इंपैक्ट्स ऑफ द कार्बन बॉर्डर टैक्स अब बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस कार्बन बॉर्डर टैक्स सो दर्स्ट मेशर इज दैट वो क्या कर सकते हैं वो अपनी जो एक्सपोजर है वो मेशर कर सकते हैं तो यहां पर अगर कोई कंट्री अगर कोई कंपनी को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उनकी कार्बन फुटप्रिंट क्या है उन लोग कितना इमिशंस करते हैं देन कुड ट्विक देयर पॉलिसीज और दे कुड ट्विक देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली आइर वो प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं या लेस कार्बन इमिशंस वाले प्रोसेस ला सकते हैं सो so, इन टाइप के चेंजेस वो ला सकते हैं सो द फर्स्ट मेजर इज द एक्सपोजर अगर किसी अथॉरिटी के पास कंपनी के पास ऑलरेडी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है तो एक पारल अकाउंटिंग मेथड हम लोग बनाए ताकि हम लोग ट्रैक कर पाए कार्बन प्राइसिंग को और कार्बन प्राइसिंग को अगर ट्रैक कर पाए तो हमें पता चलेगा कि कितना इंपैक्ट होगा ऑफ एन प्रोडक्ट वेन इट कम्स टू दी कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन बॉर्डर टैक्स का क्या रिलेशन होगा वेन इट कम्स टू दी प्रॉफिट ऑफ एन प्रोडक्ट और इस टाइप की अकाउंटिंग से क्या होगा हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस प्रोडक्ट्स को हमें रिटेन करना चाहिए और किस प्रोडक्ट्स को हमें डिस्करेज करना चाहिए थर्ड पॉइंट हियर इज टू बिल्ड अ प्ले बुक तो यहां पर टू अंडरस्टैंड दोजीशन ऑफ एन कंपनी फ्रॉम कार्बन पाइसिंग पर्स्पेक्टिव तो यहां पर डिफरेंट कंपनीज फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है फॉर एग्जाम्पल पेपर प्रोड्यूसिंग तीन चार कंपनीज है तो इन कंपनीज में इन्हें कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि उनके प्रोसेसिस में कितने कार्बन इमिशन हो रहे हैं और अगर उन्हें एक बेसिक आइडिया हो कि कितने कार्बन इमिशन हो रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कितने ड्यूटी लगेंगे या कितना कार्बन ड्यूटी कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा देन दे वुड हैव एन रिलेवेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग की उनकी कंपनी की कॉम्पिटिटिव कितनी है विथ कंपेरिजन टू दी अदर कंपनी जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चाहे तो फ्लेक्सीबिलिटी ला पाएंगे इन टू सप्लाई चेंज या दूसरे टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज या जो मैनेजमेंट है या लॉजिस्टिक्स है उनमें वो चेंजेस ला पाएंगे सो दैट इज अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट द लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज टू नेविगेट एंड शे पॉलिसी अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है जो काफी टाइम उन्होंने कहा है दैट दे वुड बी इंप्लीमेंटिंग कार्बन बॉर्डर टैक्स ये स्टिल इट वुड बी इंप्लाइड इट वुड बी अप्लाइड ऑन द इंपोर्ट्स और ये जो मैनेजमेंट है ये जो आइडिया है इट इज स्टिल इन इट्स इन स्टेज ये अभी स्टिल फॉर्मेटिव स्टेजेस में है और अगर हम चाहे तो कॉपरेशन के थ्रू डायलॉग्स के थ्रू पॉलिसी डायलॉग्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं जो ऑपरेशनल मोडेलिटीज हैं उसे हम लोग ट्विक कर सकते हैं अपने बेनिफिट में अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सो दैट आल्सो वी कैन डू सो दिस इज समथिंग दैट एन कंपनी और अ कंट्री कैन डू व्हेन इट कम्स टू द कार्बन बॉर्डर टैक्स विद दैट क्लैरिटी इन माइंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द G20 प्रेसिडेंसी अब यहां पर जो G20 प्रेसिडेंसी है दैट इज ऑलरेडी अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक काफी दिनों से वो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं एंड दैट इज व्हाई वी हैव आल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इन आवर 14th नवंबर वीडियो जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल G20 होता क्या है G20 कैसे फॉर्म हुआ था क्यों फॉर्म हुआ था इनमें कौन से कौन से मेंबर्स हैं सिग्निफिकेंस क्या है G20 ट्वेंटी का एज वेल एज क्या क्या चैलेंजेस है जी ट्वेंटी के लिए और इंडिया के लिए जी ट्वेंटी कैसे सिग्निफिकेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी इन आवर फोर्टी नवंबर वीडियो सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ इंडिया पोजिशन वेन इट कम्स टू जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी विद दैट नाउ लेट्स मूव टू मोटर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन दी जी एस टी काउंसिल अब जैसे मैंने इनिशियली कहा जीएसटी काउंसिल में जाने से पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी क्या होता है देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ ऑफ जीएसटी जीएसटी काउंसिल काउंसिल और सिग्निफिकेंस एंड बिकॉज जीएसटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वायर वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर सेकेंड वीडियो जहां पर एकदम बेसिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर आपके पास इकोनॉमी का कोई नॉलेज है नहीं तो